नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की एक और जॉब है, ताज़ा इन्फॉर्मेशन ले आए हैं। बस 6,700 पदा के ऊपर जॉब नई भर्ती करी जाओगी, 5,500 पदा के ऊपर एक भर्ती है और 1,200 पदा के ऊपर एक भर्ती है। और बिना पेपर के जॉब सीधी नौकरी दे जावे है, सीधे आपके जॉब नंबर बने हैं, 100 नंबर के हिसाब से आपको सिलेक्शन दिया जावे है। और एक जॉब समान काम समान वेतन को लेकर भी जो एक ताज़ा इन्फॉर्मेशन आई है, आप साथियों ने दिखाई दिया पूरी इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए साथियों, भाई स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी ये जॉब बैठक को संबोधित कर रहे थे और यहाँ पर जॉब आयुष विभाग के सारे अधिकारी बैठे हुए थे। तो यहाँ पे जॉब स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा करने का काम कर दिया है, वह 5,500 आयुष योग सहायकों की जॉब भर्ती करने का काम कराया जाओगा और गांव में जॉब ये योग सहायक लगाए जाओगे। तो भाई इस प्रकार से जो साथी बार बार मैसेज कर रहे थे कि भाई आयुष योग सहायक की भर्ती कब आओगी, तो भाई ये देख लीजिए 5,500 पदा के ऊपर जॉब भर्ती करने का काम करा जाओगा। 1,353 नई योगशालाओं के लिए स्थान चिन्हित कर लिए हैं, 1,121 व्यायामशालाएं बन रही हैं, इनमें 656 योगशालाएं आयुष विभाग को सौंप दी गई हैं और इन योगशालाओं में जो है 892 योग सहायक जो है पहले नियुक्त हो चुके हैं और 5,500 पदों के ऊपर जो है और भी भर्ती करी जाओगी। और इसके लिए इन्होंने बताया भाई, जापान के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रस्ताव रखा है जिस पर विचार विमर्श भी चल रहा है। और इन्होंने आगे बताया भाई, इसी तरह आयुष योग निरीक्षण और कोच के पूर्व मंजूरशुदा पदों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भरा जाओगा। बैठक में योग आयोग के हरियाणा के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्य भी शामिल थे भाई। तो भाई इस प्रकार से जो है बहुत बड़ा जो है धमाका होने वाला है, 5,500 पदों के ऊपर भर्ती करी जाओगी। इसके लिए हरियाणा सरकार ने जो है ऐड भी करनी शुरू कर दी हैं, पंचकर्मा सेंटर रखेंगे हरियाणा वासियों की सेहत का ध्यान। तो भाई इस प्रकार से जो है 55 आयुष योग सहायकों की भर्ती करने का काम कराया जाओगा और टूरिज्म स्थलों पर भी वेलनेस सेंटर स्थापित करे जाओगे। और उससे आगे बात करें साथियों, वह अनुबंध आधार पर यानी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम तय 1,200 पटवारी भी लगाने का काम किया जाओगा भाई, जिसकी कार्रवाई जो शुरू कर दी है और कल जिसका जो है लेटर भी जारी करने का काम कर दिया है विभाग के द्वारा, जो आप साथियों को जो अपने चैनल के माध्यम से दिखा भी दिया था। वह 1,200 नए पटवारी भर्ती करने का निर्णय लिया है। भर्ती हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से होगी, सरकार ने आदेश जारी कर दिए भाई। भू अभिलेख निदेशक की ओर से उपायुक्तों को मंडलायुक्तों को भेजे गए पत्र में कहा गया है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल पर अपने अपने जिलों के लिए पटवारियों की मांग को जो है अपलोड करें जल्द से जल्द। तो वही इस प्रकार से जो निर्देश जारी कर दिए हैं और हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो है एक बहुत बड़ा प्लेसमेंट पोर्टल बन चुका है, जहाँ पर आप साथियों को सीधा सिलेक्शन दिया जावा है, यानी कि बिना पेपर के सीधी नौकरी आपको, यानी कि अगर आपकी इनकम 1,00,000 रुपये से कम है तो आप साथियों को सीधे डायरेक्टली 40 नंबर मिला है और 10 नंबर अगर आपकी एज 24 से 36 साल की है तो 10 नंबर सीधे ये हो गए, 50 नंबर तो आपके जो है नॉर्मल से बन जाते हैं सीधे डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद में अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है या NSQ सर्टिफिकेट है और आपका ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट के 10 नंबर ये फ्री के हैं भाई और 5 नंबर आपको एडिशनल क्वालिफिकेशन भी देने का काम किया गया है, यानी कि टोटल 15 नंबर ये और 50 ये 65 तो नॉर्मल से बढ़ चुके हैं आपके नंबर इस प्रकार से भाई, जिस परिवार की इनकम 1,00,000 रुपये से कम है। तो भाई आप साथियों के लिए अच्छा मौका, आप भी फॉर्म फिलअप कर लीजिए अगर आपने भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, आप भी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। दोबारा जैसे कोई भी नई भर्ती निकलेगी उसी टाइम आप साथियों को चैनल के माध्यम से जानकारी दे देंगे, अपना अपना फॉर्म फिलअप कर लेना। और उससे आगे बात कर लिया साथियों, बस समान कार्य समान वेतन को लेके भी जो है बड़ी खबर आई है। बस समान कार्य समान वेतन नीति का पालन नहीं, सरकार को नोटिस जारी कर दिया भाई। और इन्होंने बताया भाई, समान कार्य समान वेतन की नीति के बावजूद शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज के अनुबंधित कर्मचारियों को इससे वंचित रखने का मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पहुँच गया है। कर्मियों की याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग के निदेशक वन्य को
नोटिस जारी कर जो है जवाब मांगा है। याचिका में सीमा व अन्य के एडवोकेट है भाई इस प्रकार से जो इन्होंने हाईकोर्ट को बताया कि वे सभी जो है 2012-14 से मेडिकल हॉस्पिटल में तय प्रक्रिया का पालन करते हुए विभिन्न पदों पर नियुक्त हुए थे और समान कार्य समान वेतन की नीति होने के बावजूद उन्हें नियमित कर्मियों को मिलने वाले लाभ से वंचित रखा जा रहा है। तो वही इस प्रकार से जो है काफ़ी सारे कोर्ट के अंदर जो है केस जा रहे हैं, कोई पक्का करवाने को लेके है, कोई समान काम समान वेतन को लेके है, लेकिन पता नहीं हरियाणा सरकार क्या कर रही है, वह बार बार जो है भाई आगे की आगे जो बढ़ाती जा रही है और कच्चे कर्मचारी जो जायज़ मांगे हैं उनको पूरा नहीं कर रही है। वह हाईकोर्ट की अभी जो है 13 तारीख को भी सुनवाई है वह कच्चे कर्मचारी को पक्का करने को लेके, तो देखना ये होगा वह हरियाणा सरकार जो है किस प्रकार का ड्राफ्ट लेके आवा है वह कच्चे कर्मचारियों को फायदे के लिए। तो आप सतलग जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो अपने चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाओगी। आप सतलग यही ताज़ा इन्फॉर्मेशन लेके आए थे भाई इस प्रकार से जो है हजारों पदों के ऊपर भर्तियाँ होनी है, आप भी अपना अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए जब तक आप साथियों कोई गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिलती। आप साथियों ने वीडियो देखा का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।